नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पाठ दो का अभ्यास कार्य। जैसे कि हम पहले यह आधा कर चुके हैं, परंतु आज हम उसे दोबारा से दोहराएंगे और अपने दोबारा से समझेंगे और दोहरा के करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है कि हमें विशेषण ढूंढकर उसका भेद बताना है, तो आप सभी को विशेषण से तो वाकिफ़ होंगे कि विशेषण क्या होता है। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ। जो शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए है, सुप्रिया बहुत दयालु थी। अब सुप्रिया कौन है? संज्ञा। अब इसकी विशेषता क्या है? दयालु। अब दयालु उसकी विशेषता है, तो और दयालु एक गुण भी है उसका, तो दयालु जो शब्द है वह विशेषण है। और कौन सा भेद हुआ इसका? गुण है तो उसका गुणवाचक विशेषण। सभी सेठ धनी थे। अब सेठ क्या है? संज्ञा। और धनी क्या है? उसकी विशेषता। तो धनी जो हुआ वह क्या हुआ? विशेषता क्या होती है? विशेषण या विशेष्य? विशेषण। तो धनी जो है वह विशेषण है, और धनी होना क्या है? उसका गुण। तो यह कौन से विशेषण में भेद में आता है? गुणवाचक। मैं सबसे निर्धन हूँ। मैं कौन हूँ? सर्वनाम है ना, तो मैं शब्द क्या है? सर्वनाम। और सर्वनाम की विशेषता क्या है? वो निर्धन है, तो निर्धन शब्द क्या हुआ? विशेषण। और यह क्या है उसका? गुणवाचक विशेषण के भेद में आता है। भूखी प्रजा परेशान थी। प्रजा क्या है? प्रजा क्या है? संज्ञा। जातिवाची संज्ञा में आता है ना प्रजा, तो प्रजा कैसी थी? भूखी। अब भूखी जो है वो क्या हुआ? विशेषण। और यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब करेंगे ख। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के लिए एक एक विशेष्य दीजिए। पहले हम प्रश्न को समझेंगे कि पूछा क्या है। इसमें पूछा गया है कि विशेषण शब्दों के विशेष्य ढूंढने हैं। जैसे विशेषण क्या होता है? विशेषता। और विशेष्य क्या होता है? विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब जैसे भयंकर शब्द है, अब भयंकर क्या चीज़ था? गर्मी। पाठ में क्या थी गर्मी? क्या थी? क्या थी गर्मी? विशेष्य। क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ रही थी ना, तो गर्मी जिसकी विशेषता बता रही है। भयंकर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? गर्मी की। तो गर्मी विशेष्य हुआ और भयंकर विशेषण। आज्ञाकारी। आज्ञाकारी कौन था? बेटा। तो विशेष्य क्या हुआ? बेटा। अब है धनी। धनी कौन था? सेठ। सेठ की विशेषता है ना कि वो धनी था, तो सेठ विशेष्य और धनी विशेषण। परेशान। परेशान का विशेष्य क्या होगा? क्योंकि कौन था परेशान? जनता। तो जनता जो है वह विशेष्य, क्योंकि जनता की विशेषता थी परेशान होना। असली। असली कौन? मित्र है ना, असली मित्र। तो मित्र की विशेषता असली, तो मित्र क्या हुआ? विशेष्य। दयालु कौन थी? सुप्रिया। तो सुप्रिया की विशेषता क्या हुई? दयालु। तो विशेष्य क्या हुआ? सुप्रिया। अब है ग प्रश्न। नीचे कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से विशेषण बनाइए। अब हमें भाववाचक से विशेषण बनाना है, यानी विशेषता बनानी है। उत्साह। उत्साहित। उत्साह जो होता है भाववाचक संज्ञा है, और कौन उससे उत्साहित होता है? उत्साहित होना एक विशेषण है। प्यास। प्यासा। प्यास। प्यासा।
प्यासा होना विशेषता है, विशेषण है। आवश्यक, आवश्यकता। आवश्यक का क्या बनेगी, क्या बनेगा विशेषण? आवश्यकता। परेशान का परेशानी, क्या बनेगा? परेशानी। भूखा भूख, भूखा का क्या बनेगा? भूख। भाग्य भाग्यवान, भाग्य भाग्यवान। अब है प्रश्न घ। नीचे दिए गए शब्दों के लिए लिंग बदल कर लिखिए। लिंग आप जानते ही हैं क्या होते हैं, जो स्त्रीलिंग जाति, स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, और जो पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग के अंदर आते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं ना, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। हमें स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना होता है और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में। जैसे सेठ है, सेठ पुल्लिंग में आता है तो इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? सेठानी। पुत्र किसका बोध करा रहा है हमें? पुल्लिंग का, तो हम इसे स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या होगा? पुत्री। नगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या बनेगा इसका? नगरी। सेविका, सेविका जो है वो स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करा रही है तो इसका पुल्लिंग में क्या बदलेंगे? सेवक। सेविका का क्या होगा? सेवक। शिष्य, शिष्या, शिष्य जो है वो पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? शिष्या। स्त्री, स्त्री का क्या बनेगा? पुरुष। स्त्री का क्या बनेगा? पुरुष। अब है नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। अब वर्णों को हम तोड़ कर लिखेंगे। वर्णों को क्या करेंगे? तोड़ कर, यानी शब्दों को वर्णों में अलग अलग बनाना। जैसे अकाल पीड़ित, नीचे दिया हुआ है, नीचे बना रखा है इसका अ। देखो जो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, स्वर जितने भी होते हैं वो सारी मात्राएं होती हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वर ही, स्वर से मिलकर ही पूरा होता है, अदरवाइज नहीं तो व्यंजन अधूरा होता है। जिनके नीचे भी हलंत लिखे हैं वो व्यंजन अधूरे हैं, उनके साथ स्वर मिलकर ही पूरा करते हैं। जैसे कि अ, अकाल में अ, क जमा आ पूरा बना का, ल अ, ल अकाल, प जमा ई, पी जमा ड, ई डी जमा त अ, त अकाल पीड़ित। जैसे अब लेंगे दृष्टि, द जमा र, द्र जमा अ, द्र श जमा ट जमा ई दृष्टि। अब है निर्धन, न जमा ई नी, र जमा ध निर, ध जमा अ ध, न जमा अ न निर्धन। अब है तुच्छ, त जमा ओ तू जमा च जमा छ अ छ तुच्छ। सुप्रिया, स जमा ओ सु, प जमा ई पी, र जमा य जमा आ सुप्रिया। वर्षा, व जमा अ व, र जमा श जमा आ वर्षा। समझ आया प्यारे बच्चों सबको? अब ये वर्ण विच्छेद थोड़ा सा प्रैक्टिस अभ्यास का मांगता है, तो आप इसे अभ्यास करेंगे और ये सारा अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? यस बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे अपनी कॉपी में करके याद
करेंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज करें, जल्दी जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। जैसे सुप्रिया बहुत दयालु थी, दयालु क्या है इसमें विशेषण गुणवाचक भेद। सभी सेठ धनी थे, धनी विशेषण और गुणवाचक इसका भेद। मैं सबसे निर्धन हूँ, निर्धन विशेषण है और कौन सा भेद है गुणवाचक। भूखी प्रजा परेशान थी, भूखी क्या है विशेषण और गुणवाचक इसका भेद। अभय विशेष्य छाटिए, विशेष्य दीजिए। भयंकर का गर्मी, आज्ञाकारी का बेटा, धनी का सेठ, परेशान जनता, असली मित्र दयालु सुप्रिया। अभय विशेषण शब्द बनाइए, उत्साह उत्साहित, प्यास प्यासा, आवश्यक आवश्यकता, परेशान परेशानी, भूखा भूख, भाग्य भाग्यवान। अभय लिंग बदलिए, सेठ सेठानी, पुत्र पुत्री, नगर नगरी, सेविका सेवक, शिष्य शिष्या, स्त्री पुरुष। अब वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद तो आपको सब समझ में आ गया था, सबको वर्णों को एक एक अलग अलग करना और स्वर और व्यंजन को, जो स्वर होते हैं वो मात्राएं होती हैं सारी, और व्यंजन जो है अब देखो जिनके नीचे भी हलंत लगा इसका मतलब वो अधूरा है, उसके साथ स्वर मिलेगा ई तो वो पूरा बन जाएगा। जैसे स ऊ सु नीचे हलंत है ना, ऊ जब मात्रा लगती है तो ऊ आ जाता है। क जमा आ का, प जमा ई पी, त जमा ऊ तू, ठीक है। ऐसे वर्णों को तोड़ना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है, यानी शब्दों को वर्णों में बांटना। अभी सब क्या करेंगे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।